भारत को मानवाधिकार की दुहाई देने वाले पाकिस्तान ने वो कुकर्म किया है जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। पाकिस्तान की बर्बर पुलिस ने लाहौर के पास हाईवे पर एक परिवार को घेर कर गोलियों से भून डाला। ये परिवार किसी शादी के जश्न में शरीक होने जा रहा था। पुलिस को लगा कि कार में दहशतगर्द बैठे हैं। हाईवे पर कार का पीछा किया गया, बिना तस्दीक बिना चेतावनी कार पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। एक मासूम परिवार को बेवक्त मौत के घाट उतार दिया गया। कुल चार लोगों का एनकाउंटर किया गया। लाहौर के मिंड कुमरी में हाईवे पर यह खूनी खेल हुआ काउंटर टेररिज्म के नाम पर। जिस वक्त पाकिस्तान की बेरहम पुलिस गोलियां बरसा रही थी उस वक्त कार में कुल सात लोग सवार थे। खलील, उनकी पत्नी नबीला बीवी, इन दोनों के चार बच्चे और कार का ड्राइवर जिशान। पाकिस्तान के आतंक विरोधी दस्ते ने इनमें से चार लोगों को मार डाला। खलील को पॉइंट ब्लैंक रेंज पर यानी बेहद करीब से 13 गोलियां मारी गई। उनकी पत्नी नबीला बीबी को चार गोलियों से भेदा गया। इनकी 13 साल की बेटी अरीबा के सीने को 6 गोलियों से छलनी किया गया। ड्राइवर जिशाना को 10 गोलियों से भूना गया। खलील और नबीला के बाकी तीन बच्चे अपनी आंखों के सामने अपने माता पिता को मरता देख रहे थे। जरा फर्ज कीजिए वो मंजर कैसा रहा होगा। तो ये वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं, पाकिस्तान पुलिस का बर्बर चेहरा जिसके बाद एक्सपोज हो गया है। सीधा रुक करते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता जगविंदर पटियाल, ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जगविंदर, सबसे पहले तो उन बच्चों के बारे में सोचकर भी सिहरन होती है जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने माता पिता को गोलियों से भूनते हुए देखा है, लेकिन इस वीडियो के बाद तो पाकिस्तान पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है। बिल्कुल, पाकिस्तान में इस बात का जबरदस्त विरोध भी हो रहा है। जहां के ये रहने वाले थे मिंड कुमरी इलाके के, वहां पर लोगों ने जबरदस्त धरना प्रदर्शन शुरू किया है। जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं वो मिलने गए हैं जो एक बच्ची बच गई है, और इमरान खान ने खुद ट्वीट किया और उन्होंने भी ये बात लिखी है कि वो कैसा मंजर रहा होगा जब माँ बाप को बच्चों के सामने गोली मारी गई होगी। और अब पुलिस, जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है पुलिस का, उसने ये एनकाउंटर किया। और देखिए, अब तस्वीरों में साफ नजर आता है हाईवे पर गाड़ी को घेर कर किस तरह से सरेआम गोलियां मारी जा रही है। किसी को बाहर निकलने के लिए नहीं कहा जा रहा है, और पीछे जो ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, गाड़ी में बैठे लोग उसका वीडियो बना रहे हैं फायरिंग का। तो ये वाकई चौंकाने वाली घटना है। लोगों के विरोध के बाद अब इसकी एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को जो है वो जांच सौंपी गई है, और ये कहा जा रहा है कि जो इस परिवार के साथ ही शादी में जा रहा था परिवार, और इनकी अपनी दुकान है वहां पर। मोहल्ले वालों का भी ये कहना है कि इनकी दुकान पर आम जो है, हम 30-35 साल से इनके साथ रह रहे हैं, दहशतगर्दी वाली कोई बात ही नहीं थी। लेकिन एक शख्स जो इनके साथ बैठा था, अब पुलिस ये कह रही है इसका किसी आतंकी संगठन से ताल्लुकात है। ठीक है जगविंदर, लेकिन इस वीडियो में भी हम साफ देख सकते हैं किस तरह एक मासूम परिवार काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के नाम की भेंट चढ़ गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। लाहौर में हुई इस बर्बरता हत्याकांड के बाद पाकिस्तान की आवाम गुस्से में है और पाकिस्तान की पुलिस अपनी करतूत को छिपाते फिर रही है। एनकाउंटर में मारा गया परिवार जिस इलाके में रहता है वहां के लोग बताते हैं कि जिन्हें दहशतगर्द बताकर मार डाला गया वो अमन पसंद लोग थे, ना किसी से कोई रंज ना कोई गिला शिकवा। सुनिए वहां के कुछ बाशिंदों की जुबानी परिवार की कहानी। इनका जनरल स्टोर है, तो ये जो खलील फौत हुआ ये स्टोर पे बैठता था, साथ उसका छोटा भाई बैठता था। तो अभी खलील और उसकी वाइफ और उसकी बेटी को गोलियों से मार दिया गया है, और दूसरा जो शख्स था वो हमारी गली में रहता है, वो भी हमारा हमसाया है, उसकी मजदूर वालदा है, टांगों से मजदूर है, तो वो उसका वह सहारा था और उसे पुलिस ने गोलियों से छलनी कर दिया। अब वो ये कहते हैं कि ये दहशतगर्द हैं, ये तो मेरा अल्लाह जानता है कि वो दहशतगर्द हैं या क्या हैं। अगर वो दहशतगर्द होते तो ये इतनी पब्लिक दहशतगर्दों के लिए निकलती है। कंप्यूटर आंदा काम करता है, कंप्यूटर ले आंदा ही सेल करता सी, इधर तलब होता कोई और कारोबार नहीं, ना वो दहशतगर्द ना दहशतगर्द नाल कितने गया है। असी पांच वक्त नमाजी है, उदा छोटा भला पुलिस विच साल होया भर्ती होया, आया कि वो दहशतगर्द सी, तो उदा भरा, तो फिर उदों उन्हां पुलिस भर्ती कर लिया।
पुलिस। और लाहौर एनकाउंटर पर नाराजगी देखकर इमरान खान की सरकार सख्ते में है, जवाब देते नहीं बन रहा है। अपनी पुलिस की हैवानियत पर पर्दा डालने के लिए जेआईटी जांच का फरेब रचा गया है। पंजाब के सीएम सरदार उस्मान अस्पताल में उन बच्चियों को ढांढस बंधाने का जो दिखावा करने पहुंचे, उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो बच्ची है जिसने अपनी नजरों के सामने अपने माता पिता को मरता हुआ देखा। और पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने भी लोगों के सामने आकर नहीं बल्कि पर्दे के पीछे से शोक का इजहार किया है। एक ट्वीट किया है, जिन बच्चों के सामने उनके माता पिता को गोली मारी गई वो सदमे में हैं, ये देखकर काफी हैरान हूं। आगे उन्होंने ट्वीट किया है, उन पीड़ित बच्चों की देखभाल अब सरकार करेगी। तो ट्वीट के जरिए खाना पूर्ति करने की कोशिश की है पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।